बेटा जी क्या कौन से ब्रदर्स आ रहे हैं सही साहब प्राजी इधर लो सपनों लख लख बताएंगे। बाकी हम विरासत के अंदर पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद वेट कम करने का सीएम गए अभी यहाँ से अपना अब भीड़ चेक कर सकते हो यार। तो हेलो गाइज नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुस्थापा और कैसे हो आप लोग, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारी जगह विरासत। आपने सुना होगा विरासत जो कि देहरादून के अंदर में होती है अंबेडकर स्टेडियम ONGC के बगल में। दिखाता हूँ मैं अभी जाके वहाँ पर जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होती है, यहाँ पर बहुत कुछ है। बेटा जी क्या कौन से ब्रदर्स आ रहे हैं आई डोंट नो, पर मैं ये बताता हूँ आपको अभी। मैं यहाँ पर आपको नाम बता दूंगा कौन सा है, अभी ऑफिस से आया हूँ, थोड़ा लेट हो चुका है। बाकी अगर मिल जाते तो आपको दिखाता हूँ यार। तो मिलते हैं वहाँ पर अभी। तो गाइस बाकी जाम में फंस चुके हैं और बहुत ही ज्यादा जाम हो रहा है इस टाइम पे। मुझे लगता है कम से कम 1.5 साल हो गए हमें यहाँ पर। गाइस आप ट्रैफिक देख सकते हो कितना भयंकर लग रहा है, वहाँ से लेकर वहाँ तक जो एक कोलागढ़ रोड है यहाँ पर इतना भयंकर ट्रैफिक लग रहा है यार। मुझे एक जगह मिली, मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी फंसा दी जो कि आज मैं एक्टिवा में आ रखा हूँ। यहाँ लगाने नहीं दी गया, सबसे लगाने देते हैं, लगाने दी 50 रुपए देके भी लगाने दी, नहीं लगाने दी। मैं लगाता था 50 रुपए डेली देता था, मगर आज नहीं लगाने दिए। 50 रुपए वाली यार किसी ने 100 दी होंगे और लगा दी होगी, पता है यही होता है। हाँ, ये तो है, ये इंडिया है, मैं डेली 50 दे रहा हूँ। बाकी गाइस भैया की बात सुनी हमने, वो भैया 50 रुपए देते थे और यही गाड़ी लगाते थे अपनी, जो भी अपनी ठेली वगैरह यही लगाते थे। बाकी अभी भैया को बोला है कि 50 से ज्यादा हो गई है, टाइम ज्यादा भीड़ होगी भैया उस टाइम पे पैसे ज्यादा बोलेंगे। आज कहीं बोलेंगे आपका सारा सामान बिक जाए, हम इतना ही बोल सकते हैं, उसके आगे तो बाकी। मैं आज घर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरा एक दो बिक गया मगर मैं घर जा रहा हूँ। दीपावली है, हैप्पी दिवाली भाई, घर जाना है। बहुत बहुत भैया आपको भी भाई, आपको भी इतना ही बोलते हैं सरदार जी, हैप्पी दिवाली, पूरे बढ़िया करके एंजॉय करना। सही साहब प्राजी इधर लो सपनों लख लख बधाइयां और दिवाली की शुभकामना। थैंक यू भैया, खालसा वाहेगुरु फतेह। गाइस बाकी अभी यहां से निकलते हैं और अब सीधा विरासत के अंदर पहुंचते हैं। बाकी भैया की बात सुनी बुरा तो लगा है, पर क्या करे, ये दुनिया यार, इसके अलावा दुनिया नहीं चलती है। जैसी ये दुनिया है ना, और बाकी मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ आ रखा हूँ, आपको दिख रहा होगा, ये कर दे, ये प्रद्युमन रावत। तो बाकी अभी यहाँ से सीधा प्रद्युमन रावत। ओके ओके, पुलिस वाले लगे हैं, पुलिस का अरेंजमेंट भी अच्छा है, सही है यार, बगल अगल में दुकान है। अरेंजमेंट बिल्कुल बेकार है भाई। नहीं यार कोई नहीं, बिल्कुल बेकार है, बहुत जाम लग रहा है यहाँ पर। तो गाइस जैसे कि आपने देखा यहाँ से अभी हमारे सीएम साहब गए, सीएम गए अभी यहाँ से, और बाकी अब यहाँ से आगे निकलते हैं यार। तो गाइस बाकी हम विरासत के अंदर पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के बाद, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा था। और बाकी आपको मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रखी है। कोई आया है यहाँ पर, मुझे नहीं पता है कोई आया, अभी मैं पब्लिक से पूछता हूँ कौन आया है। तो गाइस बाकी अपने सूत्रों से ये पता लगा है कि यहाँ पर वडाली ब्रदर्स आ रखे, और जिनका शो मैं शायद अभी चल रहा होगा तो आपको दिखाता हूँ। और बाकी यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, चहल पहल है तो मजा आएगा ही, दिखाएंगे आपको बिल्कुल पूरा दिखाएंगे आपको। यहाँ पर हर तरीके की शॉप है, आप यहाँ पर देख सकते हो गमले वगैरह की जो होती है ना, बाकी अपना जो आर्ट वगैरह मूर्ति ना। तो गाइस बाकी हर चीज की शॉप है आपको, यहाँ पर जूतों की शॉप मिल जाएगी आपको, कान के झुमके की शॉप मिल जाएगी, अगर ये देखो शूज की शॉप है, ये पूरी लड़कियों का है, जूतियाँ पूरी लड़कियों का है, शायद लड़कों की भी है एक आधी। और बाकी अभी यहाँ तक ही घूमे अभी हम, और सीधा आपको ले जाता हूँ वहाँ पर जहाँ पर वो आए ना वडाली ब्रदर्स, वहाँ लेके जाता हूँ आपको। कप वप की शॉप भी मिल जाएगी यहाँ पर, और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ यार, बढ़िया लग रहा है, मतलब एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार तो यहाँ, मैं बहुत बार आ चुका हूँ क्योंकि मैं यहीं पर रहता हूँ, तो मैं आ चुका हूँ बहुत बार, पर ये है कि बाकी आज भी अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ बच्चों के लिए झूला वूला भी है, भैया जैसे कि मुझे बता रहे हैं क्या वेट कम करने का, वेट कम करने का। अब तो भैया ने भी बोल दिया वेट कम कर लो, एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद ही करना चाहता है। एक्सरसाइज करोगे तो वजन उतर जाएगा, एक्सरसाइज छोड़ोगे डबल हो जाएगा, उसके लिए एकदम एक रूटीन ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं कभी एक्सरसाइज भूल से नहीं, मैंने किए मैंने बहुत कम वजन किया था अपना, फिर बढ़ गया ना, फिर बढ़िया, तो फिर इसके लिए एक्सरसाइज नहीं करना। तो आप क्या करोगे ऐसा, भागे दूंगा, ये पूरा चर्बी है ना पूरा गायब होना चाहिए। बाकी यही बोलना चाहूंगा, आ जाना भैया की शॉप में,
जो आपको मिक्की माउस का झूला दिख रहा है उसके बगल में भैया की शॉप है, और जिसको वजन कम करना है आपके पास आएंगे जरूर, गारंटी आएगी। बाकी भैया मैं तो एक्सरसाइज करने के करना, एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, कभी नहीं होगा यार, भैया डीमोटिवेट कर रहे हैं मुझे। एक्सरसाइज करेंगे ना डबल हो जाएंगे, और एक्सरसाइज छोड़ेंगे तो फिर डबल हो जाएंगे। अगर एक्सरसाइज एक्सरसाइज भी करेंगे तो डबल हो जाएंगे, छोड़ेंगे भी तभी डबल हो जाएंगे। हेरिडिटी ऐसा है ना यार। तो गाइस तेरा वजन ही ऐसा है मेरे भाई। तो गाइस बाकी भैया की बात समझ चुका हूँ मैं, भैया कहते जाते हिंदी में बाय बाय। गाइस आप मेरे पीछे आवाज सुन रहे होंगे, हम पहुंचने वाले जहाँ पर होंगे, गाना चल रहा है तो बाकी वही पहुंचते आपको दिखा दे रहा। आप भीड़ चेक कर सकते हो यार। कृपा करो गाइस, आप बाकी मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो कितनी भयंकर हो रही है, यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ चेक कर सकते हो। तो काफी फैन है, शायद आधे लोगों को पता भी नहीं होगा कौन है, जैसे मुझे नहीं पता है, और बाकी यही है कि बहुत सारे लोग हो रखे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। गाइज आप बाकी भीड़ चेक कर सकते हो, बहुत गंदी थी भीड़, और खाने के काउंटर में इतनी सारी भीड़ लगी थी, खाने का मन तो बहुत था पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए हमने सोचा बाहर खा लेते हैं। तो गाइज बाकी मुझे जल्दी बाहर निकलना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा तगड़ी भीड़ हो रही थी, जितनी हम सोच भी नहीं सकते। बस बोल रहा हूँ मैंने इतने सारे लोग ना एक साथ, बहुत ही ज्यादा क्राउड है मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा क्राउड, सही कह रहा है, बहुत ज्यादा, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, बाहर इतने ज्यादा लोग हैं तो सोचो अंदर कितने लोग होंगे, अंदर तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है यार। निकलता हूँ आपको तब दिखाता हूँ, ज्यादा नहीं रुका यहाँ पर, इसलिए नहीं रुका। तो गाइस बाकी मेरे दोस्त को मिल चुका है, उनका कोई जानने वाला दोस्त, और जो कि अच्छा लग रहा है, यहाँ से आप पीछे व्यू देख सकते हो, मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आज मत जाना, आज मत जाना, और मैं आज तभी भी आया, और आज मैं भीड़ देख रहा हूँ ना तो इतनी भयंकर हो रही है क्या ही बताऊं। यहाँ से पहले निकलता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ यार, आप तब तक यहाँ का देखिए। तो गाइस बाकी अभी मैं हूँ गढ़ी चौक पे, और आप यहाँ देख सकते हो गढ़ी चौक पे हूँ मैं अभी, और बाकी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इस वजह से वहाँ से फटाफट निकल लिया, थोड़ा बहुत घूमा, खाया भी नहीं मैंने कुछ यार, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, मैंने एक को बोला खाने के लिए और वहाँ इतना ज़्यादा टाइम लग गया था कि मतलब मैं घर जा रहा हूँ, मतलब अब मेरे पे पेशेंस नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। और बाकी यहाँ पर अभी मैं अंकल के यहाँ बंटिक्की खा रहा हूँ, और जो गढ़ी चौक में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, चौक में है ये, आपको मिल जाएगी, बीच शॉप के सामने है बिल्कुल, अंकल की यहाँ पर बंटिक्की है, बंटिक्की खाते हैं यहाँ पर, फिर घर के लिए निकलते हैं यार। जैसे कि आप देख सकते हो बाजे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दे रहे हैं यहाँ पर, मस्त लग रहा है जो भी, बाजे हाय बोल दो एक बार। मतलब बहुत छोटे थे ना जब हम कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे थे, तो यहाँ पर कॉलेज मतलब वहाँ पर ट्यूशन आते थे, तो उस टाइम पे बाजे की बंटिक्की खाते थे, और तब से अभी तक भी खाते हैं, तो अभी खा रहा हूँ यार, अभी मतलब यहाँ पर कुछ तो दिख नहीं रहा है खाने के लिए, तो अभी खा लेते हैं, और लौंडे क्या हाल है। बाकी अपना भाई मिला है यहाँ पर, अभी इंटरेस्ट लेते हैं अपनी बंटिक्की पे, टूट नहीं रही है थोड़ा सा। एक अलग ही टेस्ट है यार, ट्राई करना, गड़ी में कभी भी आते हो तो ट्राई करके जरूर जाना, मस्त लगेगी आपको। तो मैं इसको निपटाता हूँ, फिर आपसे मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ घर पहुँच के, पहले इसे निपटा लेता हूँ अच्छे से, थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। इसमें घर पहुँच गया था, बाकी अभी खाना खा लेते हैं, आज बनी है अंडे की सब्जी। और गाइस बाकी अभी मैं फिलहाल सीधा रामलीला में जाऊँगा, और जिसने रामलीला वाली वीडियो नहीं देखी है तो बाकी यहाँ पर ऊपर लिंक आ रहा होगा तो देख लेना, और बाकी आपसे ऐसे ही मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ, नए ब्लॉग के साथ, कुछ नया करते हुए। वीडियो करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और चैनल को जो नए है ना बंदे, जो नए बंदे जो अभी नई मतलब पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और जो बाकी पुरानी भी वो भी सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी आपसे ऐसे मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बाकी मैं जा रहा हूँ अब सीधा रामलीला देखने।